आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। लेकर आया हूँ आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा वीडियो, जिसमें मैं इंशाअल्लाह ताला शबे बरत में किए जाने वाला एक अमल बताऊंगा, एक काम बताऊंगा, और वो काम है गुस्ल करना, नहाना। शबे बरत की जो रात आती है, इस रात में आपको एक गुस्ल करना होता है। ये गुस्ल बड़ा ही फायदा देता है। इस गुस्ल के जरिए से आप बेशुमार फायदे हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बस एक गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा दें। मौजूद सामईन इकराम, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को शबे बरत में जो गुस्ल किया जाता है, जो नहाया जाता है, इसके बारे में बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको गुस्ल करना है, किस तरह से आपको नहाना है और इससे फायदे किस तरह से हासिल होंगे। शबे बरत शाबान की 15वीं रात 14 तारीख के गुजर जाने के बाद, शाबान में 14 तारीख के गुजर जाने के बाद जो रात आती है वो 15 शाबान की रात है। रात के बाद जो दिन आएगा, यह दिन 15 शाबान का दिन होगा। रात पहले आती है और दिन बाद में, ये इस्लामी महीनों के हिसाब से है। 14 तारीख का दिन खत्म होने के बाद, मगरिब की नमाज पढ़ लेने के बाद, आप पूरे रात में कभी भी ये गुस्ल कर सकते हैं, कभी भी आप नहा सकते हैं। इस गुस्ल का जो वक्त है, जो टाइम है, वो मगरिब के वक्त से फजर के वक्त तक पूरी रात है। यानी पूरी रात में आप कभी भी गुस्ल कर सकते हैं, कभी भी नहा सकते हैं। लेकिन नहाने में थोड़े बहुत कुछ काम कर लेने हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि जब कोई इंसान ये गुस्ल करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसे पूरे साल, यानी इस साल उसने शबे बरत में एक अमल किया तो अगले शबे बरत तक किसी भी तरह के जादू, आसेब, सहर से अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है। तो गुस्ल किस तरह से करना है वो तरीका आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप दिन में ही 7 बेरी के पत्तों का इंतजाम कर लें। बेर के दरख्त आपको उमूमन कहीं भी मिल जाएंगे, चाहे वो रेगिस्तानी इलाका हो, चाहे वो हरियाली इलाका हो, चाहे वो पहाड़ी इलाका हो, कहीं भी आपको बेर के दरख्त देखने को मिल जाएंगे। चाहे छोटे बेर के दरख्त हों, चाहे बड़े बेर के दरख्त हों, लेकिन बेर के 7 पत्ते आपको इंतजाम कर लेने हैं। दिन में ही इंतजाम कर लें, ये बेहतर है। इंतजाम करने के बाद जब मगरिब की नमाज हो जाए तो मगरिब की नमाज के बाद आपको वो 7 पत्ते एक भगोने में डाल देना है, या फिर जिस बर्तन में आप पानी गर्म करते हैं उस बर्तन में डाल देना है। चाहे आप गैस में गर्म करें, चाहे आप हीटर के जरिए से गर्म करें, किसी भी तरीके से आप पानी को गर्म कर सकते हैं। आपने एक भगोने में 7 पत्ते डाल दिए, उसमें पानी डाल दें। पानी डालने के बाद उस पानी को गर्म कर लें, चाहे हीटर के जरिए से हो, चाहे गैस के जरिए से हो, किसी भी तरीके से हो, गर्म करने के लिए छोड़ दें। थोड़ी देर के बाद जब वो नहाने के काबिल हो जाए, नहाने के लायक हो जाए, वो पानी गर्म हो जाए, तो उस पानी में अगर आप चाहें तो ठंडे पानी मिला सकते हैं, अगर नहीं मिलाना चाहते हैं तो उसी गर्म पानी से आप गुस्ल कर लेंगे। बस इतना ही आपको करना है, वो भी शबे बरत में, यानी जो रात आएगी शबे बरत की, इस रात में आपको ये अमल करना है, ये गुस्ल करना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल इस गुस्ल की बरकत से आप पूरे साल जादू, सहर, आसेब, दिगर फितनों से, बलाओं से, मुसीबतों से महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला आपके घर में भी बरकतें नाजिल फरमाएगा। उसके बाद आप नवाफिल अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें, सूरे पढ़ें, दुआए निस्फ शाबान पढ़ें और भी बेशुमार जो अमल है, नेक काम है, वो करें, सदका खैरात करें। इससे भी बेपनाह बरकतें आपको हासिल होंगी। उम्मीद है आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, हमारे इस वीडियो को अपने दोस्त और अहबाब के साथ जरूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज।